इंट्रोडक्शन बता दो, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो यहां सबसे पहले जो है हम लोग ध्यान देंगे कि अबाउट मी, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड, ठीक है। मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है 10 सालों से। आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि श्वसन लिखा है, बट श्वसन हम लोग ना पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्या, परिवहन। परिवहन जो है हम लोग रीड करने वाले हैं। सेशन जो है 5 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक क्लास आपकी चलेगी। ओके, तो हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या आज जो हम लोग रीड करना है, कौन कौन से टॉपिक जो है आज हमें पढ़ना है। टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉपिक जो है हमें आज क्या क्या रीड करना है, यानी कि अध्याय 3 से, परिवहन चैप्टर से हमें क्या क्या टॉपिक रीड करना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परिवहन। और परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप आज देखने को मिलेगा, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित प्रमुख भेद, यानी जाइलम और फ्लोएम में अंतर मिलेगा। उसके बाद जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप पूरे अंत तक जो है रहिएगा मेरे साथ, ताकि जो है जाइलम और फ्लोएम में जो है अंतर आप आसानी से समझ सके, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाओं को समझ सके, वाष्पोत्सर्जन आखिर है क्या इसके बारे में जान सके, वाष्पोत्सर्जन का महत्व जो है क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है इसके बारे में जो है हम अच्छे से जान सके। तो ये आपके लिए यूजफुल है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले जाइलम एवं फ्लोएम के प्रमुख भेद को लेकर। प्रमुख भेद आपके सामने है कि जाइलम यहां दिया गया है, यहां फ्लोएम दिया गया। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या क्या हो सकता है, आखिर अंतर हम लोग क्यों करते हैं, क्या अंतर देना जरूरी है। जी, यह जो अंतर आपके एग्जाम में आएगा, कितने मार्क्स में आएगा एग्जाम में, तो यह जो है अंतर अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। अंतर कितने मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा। बोलेगा क्वेश्चन में कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर को स्पष्ट करे, या क्वेश्चन पूछ सकता है जाइलम और फ्लोएम में विभेद को लिखें। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जाइलम को जो है आपको याद रखना है कि जाइलम क्या है। तो देखिए लिखा गया है कि जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। जाइलम में क्या होता है, तो जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का क्या होता है, संवहन क्रिया होती है। और फ्लोएम क्या बोला है कि फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। जाइलम क्या है, तो यह एक निर्जीव क्या है, ऊतक है। और फ्लोएम क्या है, तो यह एक सजीव ऊतक है। तीसरा विभेद है कि इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती है। और 3 नंबर में इसमें क्या दिया गया फ्लोएम में, कि इसकी मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती है। 4 नंबर विभेद है, इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। और इसका 4 नंबर में कि इसकी भित्ति कम मोटी होती है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के जब बारे की बात आ रही है, तो कल जो है की क्लास अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले जो है कल वाली क्लास आप जाके देख लीजिए कि एक पार्ट जो है हमारा जाइलम का है और दूसरा पार्ट जो है हमारा फ्लोएम का है। उसमें जो है बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया गया है कि जाइलम जो है जल तथा जाइलम जो है क्या है, जाइलम जल द्वारा घुले लवणों को क्या करता है, यह संवहन क्रिया करता है। और फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को क्या करता है, संवहन करता है। ओके, जाइलम हमेशा जो है क्या होता है, निर्जीव ऊतक होता है। और फ्लोएम क्या होता है कि सजीव ऊतक होता है। ओके, इसमें मुख्य संवहक नलिकाएं होती है। और इसमें जो होती है क्या, मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती है। इसकी भीति क्या होती है, मोटी होती है। और इसकी भीति भी क्या होती है, इसकी भीति मोटी होती है लेकिन यह कम मोटी होती है। यानी कि इसमें मोटाई जो है क्या होगी, अधिक होगी, इसमें मोटाई जो है क्या होगी, कम होगी। बस यही डिफरेंट एक याद रखिएगा, छोटा सा 4 डिफिनेशन है और 4 डिफरेंट जो है आपको याद रखने होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है 4 डिफरेंट। तो 4ों डिफरेंट को जो है आपको याद करके चलने। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम यहाँ ध्यान देंगे अब आपके सामने आएगा। अब एक ही पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सुंदर सा एक पेड़ लगा हुआ है, पौधा है, और यह पौधा जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करता है। ओके, बात आएगी कि पौधा जो है यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आप आसानी से दे सकते हैं कि कैसे जो है पूर्ण करता है। तो यहाँ जो बात आती है सबसे पहले, तो यहाँ ध्यान देंगे हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि आखिर वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन वही होता है कि अगर हमारा पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, ये पेड़ हुआ आपका, और यह पेड़ जो है क्या करता है कि जड़ से जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। जल को पेड़ क्या करता है, जड़ से ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद पेड़ जो है अपनी पत्ती को देता है जल, और पत्ती क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है क्या करता है, पूर्ण करता है, ठीक है। तो यह पत्ती के माध्यम से है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन वह होता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि साफ तौर पे यहाँ बताया गया है कि पत्ती जो होती है, पेड़ की जो यहाँ पत्ती आपको देखने को मिलेगी, यह पेड़ जो है पेड़ की एक पत्ती हम बनाते हैं, और इस पेड़ की पत्ती में क्या मिलेगा, तो इस पेड़ की पत्ती में जो है मिलेगा आपको रंध्र, यानी कि एस्टोमेटा मिलेगा आपको। तो यह जो पेड़ क्या किया कि जड़ जो है जड़ से पानी को अवशोषित किया, और यह पानी जो है कहाँ आएगा, पत्ती में आएगा, और पत्ती क्या करेगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, यानी कि अपने रंध्रों द्वारा क्या करेगा, जल को बाहर की ओर निकालेगा। ये जो रंध है इससे जो है क्या करेगा, जल को बाहर की ओर निकालेगा, यानी कि बाहर की ओर निकालना क्या कहलाता है आपका, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि यहाँ बोला है कि वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया ऊन रूप से पत्तियों में होती है क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या एस्टोमेटा कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बात बताया सेम वही प्रोसेस जो होता है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का होता है। तो आपको यहाँ क्लियर ही हो गया होगा बिल्कुल कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, तो पौधे के जड़ से होती है। क्या होता है, पौधों के जड़ से होती है। किससे होती है, पौधों के जड़ से होती है, क्योंकि पौधा जो है जड़ से क्या करता है, जल को ग्रहण करता है, और यह ग्रहण जो है फ्लोएम के माध्यम से जो है क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, और यह पत्ती को देता है, और पत्ती क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ जो है किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि रंध्रों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और यहाँ क्वेश्चन भी कहता है कि पौधे जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो पौधे जल अपने जड़ से प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जड़ से प्राप्त करेंगे, और पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है कहाँ से पूर्ण करती है, तो अपने पत्तों से करती है, क्योंकि पत्तों में क्या पाया जाता है, एस्टोमेटा पाया जाता है, उससे जो है जल को निष्कासित करती है, और एस्टोमेटा से ही क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ग्रहण होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा कि एस्टोमेटा से ही यानी कि रंध्र से ही जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या की होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण से सूर्य की रोशनी को क्या करता है, यह ग्रहण करता है, और यह ग्रहण करने के बाद एस्टोमेटा जो है यानी रंध्र किसको देता है, तो यह जो है जाइलम को देता है। यह किसको देता है, जाइलम को देता है। अब यह भोजन देता है क्या, हमारा रंध्र किसको, जाइलम को, और जाइलम क्या करता है कि भोजन को क्या करता है, पहुंचा देता है। जाइलम क्या करता है, भोजन को निर्माण करता है, और जैसे ही निर्माण करेगा तो फ्लोएम को देगा, क्या करेगा, फ्लोएम को देगा, और फ्लोएम क्या करेगा, जहां पे भोजन की कमी है उसे जो यह क्या करेगा, पूरा करेगा।
और फ्लोएम ही क्या करता है कि जल को अवशोषित करता है और फिर जो है जाइलम को देता है, यानी रंध्र को देता है, और रंध्र जो उसे क्या करता है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करता है। अब बताइए यहाँ कोई आपको अब दिक्कत होगा कोई भी चीज, क्योंकि मैंने उलट पुलट के सब चीज जो है आपको बता दी। यहाँ कोई दिक्कत है? यश नुमे मुझे जवाब देंगे। चलिए यहाँ कोई भी दिक्कत आपको शायद नहीं दिख रही है। आगे जो है हम अब जानेंगे इंपॉर्टेंस पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंस पॉइंट जानना हमारे लिए जरूरी है और इस इंपॉर्टेंस पॉइंट को जो है आपको नोट करके भी चलना है। इसको जो है आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि यह पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला यहाँ पॉइंट देखेंगे हम कि एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जो है पानी जल इस क्रिया में छोड़ता है, यानी कि यहाँ बोला गया है कि इस क्रिया से छोड़ता है, यानी किस क्रिया से छोड़ता है, तो यह क्रिया जो है कैसी किसकी होती है? वाष्पोत्सर्जन की। किस क्रिया की होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। तो एक मकई का छोटा सा पौधा, एक मकई का जो है छोटा सा पौधा, एक मकई का पौधा तो आपने देखा ही होगा, तो एक मकई का छोटा सा पौधा जो है प्रतिदिन यानी कि एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करता है। और यही पानी जो है हमारी वायुमंडल में जाती है और जाके जो है इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होने के बाद जो है क्या होता है? बारिश होता है। तो बारिश इसी प्रकार जो है यह होता है। अगर पेड़ पौधे की हम कटाई करेंगे तो बारिश आप भूल ही जाइए कि बारिश हमारी होगी। जितना आप पोल्यूशन करिएगा ओजोन परत पे जाके जो है जमेगा, और जब ओजोन परत पर ज्यादा पोल्यूशन जमेगा और जब बारिश होगी तो उस बारिश को क्या नाम दिया जाएगा? अम्लीय वर्षा दिया जाएगा। और यह अम्लीय वर्षा जब होगी तो आपके पेड़ पौधे आपकी त्वचा पर जो है क्या होगी? बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगी। तो इस चीज को बिल्कुल आपको याद करके चलना होगा। दूसरा पॉइंट जो है हमारे सामने यहाँ है कि जबकि एक सेब का आप सेब एप्पल खाते हो, आप एप्पल खाते हो, और यह एप्पल जो है कितना यूजफुल है हमारे लिए देखिए कम से कम, कि जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल का निष्कासित करता है। अब एक एप्पल का सेव कितना लीटर करता है? 10 से 20 लीटर जो है पानी का स्राव करता है। एक एप्पल का सेव जो है, एप्पल का पेड़ एक दिन में कितने लीटर पानी स्रावित करता है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है तो 10 से 20 लीटर करता है। और इसलिए यह ठंडे देशों में राज्यों में होता है, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश होती है, क्योंकि जहां पे ठंड जहां ज्यादा पड़ती है वहीं पे जो है ना सेब उगते हैं। और इसलिए सेब वहां उगते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा खेत होती है वहां पे, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होती है और बारिश भी सबसे ज्यादा वहां पे होती है। इसलिए एप्पल के सेब एक दिन में कितने लीटर पानी देता है? 10 से 20 लीटर। तीसरा पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे है कि एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे में कम से कम कम समय में निकाल देता है। यानी कि एक पत्ता का वजन आप देख लीजिएगा, हो सकता है तो कहीं 25 ग्राम हो, या हो सकता है तो 30 ग्राम हो, या 40 ग्राम हो, या 50 ग्राम हो। तो एक पत्ती भी जो है ना अपने वजन से एक दिन में क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर देता है। तो ये कितना हमारे लिए पेड़ उपयोगी है आप समझ सकते हैं। और यहां दिया गया है चौथा पॉइंट कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से करीबन 100 टाइम्स, यानी कि कितना? 100 गुना। 100 टाइम्स मतलब क्या होगा? 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कि ये चारों पॉइंट जो है आपको क्या करने हैं? बिल्कुल अच्छे से याद रखने होंगे। ये चारों पॉइंट जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने होंगे। इसलिए याद रखने होंगे क्योंकि चारों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से जो है दिए हुए हैं। तो एक मकई का पौधा एक दिन में कितना लीटर पानी स्रावित करता है? तो 3 से 4 लीटर। ठीक है, एक सेव प्रतिदिन में कितना पानी वाष्पोत्सर्जन करता है? तो 10 से 20 लीटर। ठीक है, एक पत्ती जो है कितना पानी का वाष्पोत्सर्जन करता है? तो अपने वजन के द्वारा
एक दिन में एक पत्ता अपना वजन के द्वारा पानी को वाष्पोत्सर्जन करता है। मान लीजिए कि 25 ग्राम ही उस पत्ती का वजन है, तो 25 ग्राम जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण कर देगा। और यहाँ पे है आखिरी पॉइंट में कि एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग कितना, तो अपने वजन से 100 गुना, अपने वजन से कितना 100 गुना जो है वाष्पोत्सर्जन करता है। तो यह चार पॉइंट, चारों पॉइंट जबरदस्त है और चारों पॉइंट को जो है आपको याद करके जाना होगा, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंट हम देखेंगे, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन के अगर महत्व को हम अच्छे से जान लेंगे तो समझिए कि सब काम जो है हमारा हो गया। तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, उसके बाद परिसंचरण तंत्र आएगा, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा, मानव परिसंचरण तंत्र आएगा। तो अभी बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स बाकी हैं। तो आज हम लोग कम से कम चाहे तो वाष्पोत्सर्जन की सभी प्रक्रियाओं को खत्म करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हो सकता है तो न्यू टॉपिक बढ़ाया जाए। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा आगे। हम लोग विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे विशेष ध्यान है कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व। अब हम जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व आखिर है क्या, ये जानना जरूरी है। कि यहाँ बोला गया है कि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यानी कि मूल जड़, आप हमेशा जानते होंगे कि एक पेड़ में जो है क्या होता है, एक मूल जड़ होता है, यानी कि उसे हम बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं उसे? हम एक मूसला जड़ बोलते हैं। और यह जड़ जो है क्या होता है, यह धरती के अंदर जो है बहुत अंदर की ओर यह धंसा हुआ रहता है, एक लंबा सा जड़ होता है जो धरती के नीचे तक चला जाता है, बहुत नीचे होता है। और इसी जड़ के कारण जो है पेड़ टिका हुआ आपका रहता है। तो यह पेड़ जो है इसमें क्या पाया जाता है, एक मूसला जड़ पाया जाता है कि निचली भाग यहाँ हो गई, या निचली भाग हो गई यहां से लेकर और इस पत्ती तक, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक पेड़ में क्या भरा रहता है, तो जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है, यानी कि पानी भरा हुआ रहता है। यानी कि मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है होता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता, यानी सहायक करता है। इसके अलावा यह पौधा के तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आप गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, गर्मी के ज्यादा, अब गर्मी के दिन आ गई है, अब गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि बहुत तेज अगर धूप निकली है तो पेड़ के नीचे जो है हम चले जाते हैं, हमें कैसा महसूस होता है, मानो जो है एसी चल रहा हो, ठंडक महसूस होती है हमें। क्यों होती है? क्योंकि इसमें इतनी पानी होती है, इस पौधे में इतनी पानी होती है कि जड़ से लेकर जो है उसके शिखर तक पानी भरा रहता है। और इसलिए इस पेड़ का तापमान क्या रहता है, तापमान जो है एकदम न्यूनतम रहता है, इसका तापमान न्यूनतम रहता है, इसकी तापमान जो है अधिक नहीं होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। जब हमें ठंड लगती है तो ठंडी के दिन में अगर आप पेड़ के पीछे नीचे चला जाइए तो देखिए ज्यादातर ठंडा आपको लगेगा, और गर्मी के दिन में अगर आप चले जाइएगा तो आपको ये ठंडा देगा। तो इसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। तो यह प्रक्रिया जो है किसकी होती है, वाष्पोत्सर्जन के महत्व पर डिपेंड करता है। अब कुछ पॉइंट जो है आपके सामने है, कम से कम यहाँ पे अगर 5 पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा, 5 पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, और 5 पॉइंट जो है सबसे बेहतरीन पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन के महत्व के सबसे जबरदस्त पॉइंट अगर 5 आप रखते हैं याद, तो 5 नंबर जो है आपको एग्जाम में मिलना बिल्कुल तय। अगर आपसे इसके महत्व के बारे में पूछ दिया और 5 पॉइंट अगर आपको याद होता है तो समझिए कि काम आपकी हो गई। पहले पॉइंट पे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दिए यहाँ पे कि पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट दिया गया है अतिरिक्त जल का
निस्तारण यानी अत्यधिक जल का क्या करता है, या निस्तारण करता है यानी कि अत्यधिक जल अपने अंदर अवशोषित करके रखता है, यानी कि पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा पराशरण एवं अंतः शोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। यानी कि आपको मैंने अभी जस्ट ही बताया था कि मूल रूम क्या होता है कि एक पेड़ में सबसे लंबी जड़ें होती है जो अत्यंत नीचे की ओर होती है, बहुत अंदर नीचे डीप होता है, और उसी जड़ के कारण जो है पेड़ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। अगर पेड़ को काटते हुए देखे होंगे अगर आप, तो उसको चारों तरफ से क्या किया जाता है, पहले गड्ढा किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं, अगर यह पेड़ है आपका, या आपका सपोज मानो कि ये लंबा सा पेड़ है और यहाँ पे जड़े हैं, तो इसे खोदने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ दूरी पर जो है ऐसे गड्ढा करते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे दूर से हम जो है इसको क्या करते हैं, पहले गड्ढा करते हैं, और गड्ढा करने के बाद जो है इधर की जड़ों को पहले हम काटते हैं, फिर इधर के जड़ों को काटते हैं। अब तब यहाँ यहाँ से मूल रूम यहाँ गया हुआ नीचे, मूल रूम जड़, अब यहाँ के सभी जड़ों को काटे, आखिरी में इस जड़ को काटते हैं। जब यह आखिरी में यह जड़ कटता है तो श्वेता पेड़ जो है नीचे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यही मूल रूम जो है होता है पेड़ का। तो इसमें बोला गया यही कि पौधे के भूमि में लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण एवं पोषण द्वारा जल को क्या करता है, यह अवशोषण करता है, और शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा जल के कई गुना अधिक होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो यानी कि जितना जल वह लिया है उसे कुछ अधिक जल वाष्पोत्सर्जन कर देता है। तो यही पेड़ की खासियत है, तभी हम जो है बिल्कुल सही से यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि खनिज लवणों की प्राप्ति, खनिज लवण की प्राप्ति जो है पेड़ कैसे करता है। तो देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है, और पौधे जो है द्वारा जितने अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। यानी कि मृदा जल के खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, अतः पौधे द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज एवं लवणों घुलकर उनमें शरीर में पहुंचते रहते हैं। अधिकांश वाष्पोत्सर्जन से रिक्तिया रस के परासरण दाब बढ़ते जाता है, इस प्रकार से अधिक लवण पादप शरीर से प्रवेश करते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि खनिज लवण की प्राप्ति कैसे करता है, तो पौधा खनिज लवण की प्राप्ति जो है अपने जड़ से करता है। सिंपल बात है कि खनिज लवण की प्राप्ति कैसे करेगा पौधा, तो पौधा अपने जड़ से खनिज लवण की क्या करेगा, प्राप्ति करेगा। यानी कि आपको मैंने कल बताया था कि पौधों के भोजन, तो पौधे के भोजन जो है क्या क्या होते हैं, तो पौधे के भोजन को दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया था, तीन भागों में हमने बांटा था। एक हमने बांटा था प्राथमिक भोजन, प्राथमिक भोज पदार्थ लिख लेते हैं, भोज पदार्थ प्राथमिक। एक हमने क्या लिखा था, भोज पदार्थ के बारे में जाना था। उसके बाद हमने दूसरा पदार्थ जाना था गुण भोज पदार्थ, और तीसरा जो है हमने क्या डिस्कस किया था कि अन्य भोज पदार्थ। या हमने पौधे के भोजन के तीन प्रकार होते थे, क्या प्राथमिक भोज पदार्थ, दूसरा गौण भोज पदार्थ, और तीसरा जो है अन्य भोज पदार्थ। तो प्राथमिक भोज पदार्थ के अंतर्गत जो है हमारे सामने क्या क्या आया था, कल हमने डिस्कस किया था गौण के अंतर्गत क्या क्या आएगा और भोज पदार्थ के अंतर्गत आ क्या आएगा। तो यहाँ जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इसके प्राथमिक भोजन हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर इसके प्राथमिक होंगे। गौर हो जाएंगे इसे कार्बन, खनिज लवण, सल्फर, ठीक है, गंधक इसके प्रकार होंगे, और अन्य पदार्थ जैसे कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये सब उसके अन्य भोज्य पदार्थ होंगे। तो यह पदार्थ जो है आपको क्या रखना है, पहले याद रखना है। तो वह खनिज लवण जो है कैसे प्राप्त करता है, तो पौधा अपना खनिज लवण जो है कैसे प्राप्त करता है, तो यह सभी जो है जड़ से प्राप्त करता है। सभी चीज जो है किससे प्राप्त करता है, यह जड़ से प्राप्त आपका करता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने है तीसरा नंबर टॉपिक। तीसरा नंबर टॉपिक क्या बोला है कि वाष्पोत्सर्जन तथा सर्वहन, यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण तथा सारवहन क्या होता है। तो यहां ध्यान देंगे कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा चूड़न बल उत्पन्न होता है जो कि सारारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जल बड़े बड़े वृक्षों में भी उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यह सारोहण बल क्या होता है कि सारोहण बल वह होगा कि पौधे में जो है एक बल उत्पन्न होती है जो जड़ से लेकर उसके शिखर तक जल पहुंचाने का जो है यह कार्य करता है। कौन? सारोहण बल। ओके, उसके बाद ताप का नियंत्रण कैसे होता है, यानी ताप को कैसे यह नियंत्रण करके रखता है पेड़। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं। पौधे जल्दी सूखते क्यों नहीं है, क्योंकि उस पौधे में क्या होने लगती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने लगती है, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उनका उपयोग पौधा ताप से बचने के कारण जो है यह करता है। ठीक है, तो ताप का नियंत्रण जो है कैसे कर सकता है पेड़, तो ताप का नियंत्रण जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है यह कर सकता है। उसके बाद जो है पांचवा टॉपिक है कि जल का समान वितरण कैसे करता है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का जो है वितरण समान रूप से होता है, तो इसकी जो है वितरण बिल्कुल समान आपकी देखने को मिल जाती है। तो यही जो है इसके सभी महत्व हैं। तो ये पांच महत्व जो है आपको क्या करने हैं, नोट करके बिल्कुल ही चलने होंगे, तभी जाके जो है हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। अब हम देखेंगे छठा पॉइंट क्या है कि फलों के शर्करा का संदर्भता। तो फलों के शर्करा के संदर्भता क्या हुआ कि अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा का सांद्रण जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण फल अधिक मीठी होती है। तो मीठा होना फल के लिए क्या उसमें पाया जाता है, अब आपसे पूछा जाए कि मीठा फल क्यों होता है, मीठा फल क्यों होता है, या यहां पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कि मीठा फल क्यों हो जाता है, मीठा फल कैसे होता है, कैसे होता है। तो आपको एक छोटा सा याद हो रखना चाहिए आंसर इसका कि शर्करा के कारण जो है मीठा फल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रण बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फल मीठी हो जाती है। ओके, तो यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो है क्या होती है, पूर्ण आपकी होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे सातवां है कि यांत्रिक उत्को एवं आवरण का निर्माण, यानी कि अधिक वाष्पोत्सर्जन से पौधों में अधिक यांत्रिक उत्कों की वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधे मजबूत होते हैं एवं उत्तक पौधों की जीवाणुओं के कवकों आदि की रक्षा भी करते हैं, विशेषकर बाहरी भागों में बने उपचर्म आदि के आवरण से जो है ढके होते हैं, जो कि जीवाणुओं कवकों से क्या होती है, इसकी हमेशा रक्षा होती रहती है। इसलिए पेड़ के बाहरी आवरण जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर परत में क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। अगर यह कठोर परत को कोई भी जीव जंतु अगर इसको नष्ट कर देता है, अगर कीड़ा इसमें लग जाता है नष्ट कर देता है, तो यह पेड़ स्वेता क्या हो जाएगा, सूखने के कगार पे आ जाएगा और पेड़ स्वेता क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यही प्रोसेस जो होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की ओर, और MCQ भी हमें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया यहाँ पे कि फेफड़े का आकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप भी आई भी मानिएगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी शिकायत होने वाली बात नहीं है, ये VBI से भी बड़े के है, इस चीज को याद रखिएगा कि फेफड़े की आकार जो है कैसी होती है, हमारे फेफड़े की आकार जो है कैसी होती है। क्या फेफड़ा आपका गोलाकार होता है, या फेफड़ा आपका शंक्वाकार होता है,
या आपका फेफड़ा बेलनाकार होता है या फेफड़ा आपका अंडाकार होता है। गोलाकार अंडाकार तो एक ही जैसा होगा? नहीं, गोलाकार अंडाकार दोनों में फर्क होता है। गोलाकार जैसे हो जाएगा बिल्कुल आपका गोल, जैसे मैं यहां बना रहा हूं बिल्कुल ये गोल हुआ, बिल्कुल ये क्या हुआ गोल हुआ, यह गोलाकार हुआ। अब अंडाकार थोड़ा सा लेना है तो ले भाई, अंडा हमने बना दिया अंडाकार हो गया। अब शंकुकार जो होगा तो शंकुकार जो है कैसे होगा, शंकु आपने देखा है क्या जी, आपने देखा होगा शंकु का फिगर बिल, शंकु गोला। चलो भाई इसको मैं ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो शंकु जैसा है, ठीक है। उसके बाद जो है बेलन ले लेते हैं, एक बेलन भी ले लेते हैं, एक लंबा बेलन का फिगर है भाई। चलिए एक बेलन तो नहीं दिख रहा है बट चलो भाई इसको ले लेते हैं बेलन के टाइप का, ठीक है। तो ये चार फिगर जो है आपके सामने मौजूद है, ये चार फिगर आपके सामने है। अब देखेंगे कि हमारी जो है फेफड़ा जो है किस आकार में होगा। तो यहाँ जो है आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गोला है, तो क्या फेफड़ा आपका गोल होगा या यह अंडे आकार का होगा या यह शंकु के आकार का होगा, ठीक है, शंकु को उतना फिगर नहीं बनाया, या बेलन के आकार का, कैसे होगा आप मुझे जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर है आपका। इसका आंसर आया है बहुत सुंदर कि सर इसका आंसर लगा दीजिए मुझे कि यह जो है शंकुकार जैसा होगा, बेलन जैसा नहीं होगा, लंबा नहीं होता है, अंडाकार हमारा फेफड़ा नहीं होता है और गोलाकार भी हमारा फेफड़ा नहीं होता है। फेफड़ा हमेशा आपके शरीर में कैसा होता है तो शंकाकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा जो है यह होता है। जब आप क्लास 10th में हैं तो पढ़े होंगे बेलन शंकु और गोला, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बेलन शंकु और गोला जी। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, चलिए थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं, संवाहक उत्तक किसके रूप में पाए जाते हैं, तो एपिडाइमिस के रूप में पाए जाएंगे या जाइलम के रूप में पाए जाएंगे या फ्लोएम के रूप में जाएंगे, या आपके पास बी और सी दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप आंसर जो है इसका क्या देंगे कि संवाहक उत्तक के रूप में पाए जाते हैं, तो संवाहक उत्तक किसके रूप में पाए जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए, बहुत सुंदर आपका आंसर आया, बहुत बढ़िया दम। और कोई आंसर देगा कि संवाहक उत्तक के रूप में, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं, तो संवाहक उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं, तो संवाहक उत्तक के रूप में जो है आपके पास जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम जो होगा क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ देखेंगे और करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है 3 नंबर कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, अमोनिया होता है या यूरिया होता है या यूरिक अम्ल होता है या एमिनो अम्ल होता है, तो मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ आपके क्या होंगे, तो उत्सर्जी पदार्थ आपसे पूछा गया है, उत्सर्जी पदार्थ बता सकते हैं कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया होंगे या आपके यूरिया या यूरिक अम्ल या आपके पास एमिनो अम्ल, आंसर जो है शेयर करेंगे आप। आंसर बहुत बढ़िया आया है आपका, बहुत सुंदर कि मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा कि अमोनिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि यूरिया जो है नहीं निकलता है मछलियों से, यूरिक अम्ल जो है नहीं निकलता है, एमिनो अम्ल भी जो है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 पे देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 4, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी इनमें कौन है, प्रकाश संश्लेषी इनमें से कौन है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि स्टोमेटा है, इसमें दिया गया है पत्ती है या हरित लवण है या जड़ है, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें से कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी इनमें से कौन है, तो आप मुझे आंसर शेयर करेंगे कि क्या स्टोमेटा होता है यानी कि रंध्र होता है, या पत्ती होता है, या हरित लवण होता है, या आपका जर होता है, क्या होगा आंसर। बढ़िया आपका आंसर आया, सो सुंदर, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन संख्या 5। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 जो हम करेंगे कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो है आपकी पूर्ण कहाँ पे होती है। ठीक है, पहले बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण आपकी होगी। हाँ, तो यहाँ दिया गया है अग्नाशय से, उसके बाद जो है बड़ी आंत से, छोटे आंत से, ग्रास नली में। तो इसका आंसर जो है क्या होगा आप जल्दी से मुझे इसे। चलिए शिवम ने आंसर इसका दे दिया है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो है कहाँ पे पूर्ण होती है आपका आंसर आया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में। यानी कि छोटी आंत में जो है क्या होगा हमारा, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन संख्या 6 पे। और क्वेश्चन संख्या 6 चलेंगे, इसका आंसर देंगे हमें कि सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाएगा, तो फाइब्रोजनित रहित प्लाज्मा को कहलाएगा, या फाइब्रोजनित रहित प्लाज्मा को बोलेंगे, या इसे जो है प्रोथोबियम रहित प्लाज्मा बोलेंगे, या प्रोथोनियबन सहित प्लाज्मा बोलेंगे। तो बिल्कुल आप आंसर मुझे शेयर करेंगे इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा जी, कि सीरम जो है आपका क्या कहलाता है। तो सीरम आपका जो है फाइब्रोजनित रहित प्लाज्मा कहलाता है, या फाइब्रोजनित रहित प्लाज्मा कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि फाइब्रोजनित रहित प्लाज्मा जो है यह कहलाता है। बहुत ही बढ़िया आपका आंसर आया, चलिए बहुत सुंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन संख्या 7 कि रेजिन किस पौधे को का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन जो है किसमें निकलता है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बबूल के पौधे से, या कनेर के पौधे से, या पीपल के पौधे से, या चीड़ के पौधे से। यानी रेजिन, यानी कि रेजिन को हम बोलते हैं क्या, गोंद। तो गोंद किस पौधे से जो है निकलता है, गोंधे किस पौधे से जो है निकलता है, बबूल के पौधे से निकलेगा, या कनेर के पौधे से निकलेगा, या पीपल के पौधे से, या चीड़ के पौधे से। आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे, लेकिन आंसर जो है आपका गलत हो चुका है कि कनेर के पौधे से जो है गोंद नहीं निकलता है, ना बबूल के पौधे से जो है गोंद निकलेगा, ना पीपल के पौधे से गोंद निकलेगा, या ओनली फॉर चीड़ के पौधे से जो है क्या निकलता है, गोंद आपका निकलता है। चीड़ के पौधे आप याद रखिएगा कि चीड़ के पौधे से रेजिन निकलता है, चाहे इसे आप बोल सकते हैं कि गोंद निकलता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या जो है 8 कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। तो जल तथा लवणों का परिवहन जो है हमेशा होता है, कहाँ पे होता है। तो आंसर दिया गया है एक दिवसीय में, द्वि दिवसीय में, बहु दिवसीय में, इनमें से सभी। तो जल का, लवण का परिवहन जो है कहाँ पे होता है, आंसर जो है शेयर कर। चलिए फास्ट आंसर करेंगे आप, हाँ फास्ट आंसर देंगे कि क्या आपका आंसर आएगा कि जल का, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, तो किस में होता है। ठीक है, जल का, हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है, बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है कि इनमें से सभी। जी बिल्कुल ही आपका नहीं होगा इनमें से सभी, क्योंकि जल तथा लवण का परिवहन जो हमेशा होता है एक दिवसीय में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। अधिकांश लोग जो है आधी के डेट में दो बीमारी से जो मर रहे हैं, एक वो रहा है ब्रेन हेमरेज और दूसरा जो है हार्ट अटैक। तो दो बीमारी जो है अभी प्रेजेंट में बहुत लोगों को बर्बाद कर रही है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, हृदय घात होता है या पक्षाघात होता है, ये हाई पोटेंशन होता है या हाई पर्टेशन होता है, क्या होता है इसका कारण। ठीक है, तो आप मुझे आंसर शेयर करेंगे कि किसके कारण जो है आपका ब्रेन हेमरेज होता है। आप बोल रहे हैं कि हृदय घात के कारण जो है ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज हृदय घात होगा तो ये हार्ट अटैक हो जाएगा, ये तो आंसर ऐसा ही कही, पक्षाघात तो होगा ही नहीं, हाइपोटेंशन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, हाइपरटेंशन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे आप कि मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है।
तो मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का जो है पाचन होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन का, दूसरा है वसा का, तीसरा है स्टार्च का, चौथा है न्यूक्लियस अम्ल का। तो मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का जो है पाचन क्रिया होती है? तो आप आंसर जो है मुझे शेयर करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ही आसान यह क्वेश्चन है। जी बिल्कुल ही आपका आंसर गलती आया है, न्यूक्लियस अम्ल। मुख गुहा में आपका न्यूक्लियस अम्ल आहार नाल में पचाता है, न्यूक्लियस आपके शरीर में थोड़ी ना होता है। जी बिल्कुल ही नहीं, ये गलत है आपका आंसर। इसका मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का जो है पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। प्रोटीन का भी नहीं होता है, वसा का भी नहीं होता है, ठीक है? तो यह स्टार्च का होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या 11, और क्वेश्चन संख्या 11 हम देखेंगे। चलेंगे आंसर देंगे मुझे कि जीव प्रकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो जीव प्रकरण के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं कि जीव प्रकरण के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन आता है? हाँ, ऐसा ही आंसर अगर आप देंगे कंटिन्यू तो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि जीव प्रकरण के अंतर्गत जो है कौन कौन आता है, तो इसमें पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, यानी कि इनमें से सभी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? जब आपके अमाशय में अनुपज हो जाता है तो गैस बहुत अजीब ढंग से आपके मुंह से निकलती है, गैस निकलता है, पेट खराब हो जाता है, ये सब अनुपचित भोजन के कारण होता है। तो यह चाइल होता है या काइम होता है, काइलोमाइक्रोन होता है, उपयुक्त तो सभी होता है। क्या होगा आपका आंसर मुझे जो है आप मुझे शेयर करेंगे कितने देर में? तो 30 सेकंड में। जितने जल्दी आंसर को शेयर करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर हम जो है रुख करेंगे कि अमाशय में अनुपचित भोजन को जो है हम क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, काइम कहते हैं, काइलोमाइक्राइन कहते हैं, या उपयुक्त तो सभी कहते हैं। आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे जल्दी से। जी तो इसे हम चाइल कहेंगे, बिल्कुल ही नहीं। इसे काइल कहेंगे, काइम कहेंगे, जी बिल्कुल ही सही। क्लोमाइक्रोन कहेंगे, बिल्कुल ही नहीं। उपयोग सभी करेंगे, बिल्कुल ही नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काइम कहेंगे। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को जो है हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन हम सुनेंगे यहाँ से कि पाइलोक्रिक कहेंगे, या कॉर्डिकल कहेंगे, या फूडिडक कहेंगे, या एपी ग्लोटिकियस कहेंगे। क्या इसे जो है हम कहेंगे कि अमाशय के अग्रभाग को जो है हम क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहेंगे आंसर जो है आप शेयर करेंगे। चलिए आंसर दीजिए कि क्या होगा आपका आंसर। हाँ, कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहेंगे? जी अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जी है। बिल्कुल आपने सही आंसर भेज दिया है, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही, बिल्कुल ही सही। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 14 नंबर कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में जो है कहाँ पर होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, यकृत में होता है, दूसरा वृक्क में होता है, तीसरा प्लीहा में होता है, और चौथा आमाशय में होता है। तो यह कहाँ पे होता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में जो है आपके कहाँ पे होगा? आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। आपने दिया बिल्कुल ही गलत दिया आंसर कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो है शरीर में कहाँ होता है? तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत में होता है। ओके ब्रिक में भी नहीं होगा, प्लीहा में नहीं होगा, आमाशय में भी जो है नहीं होगा। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है?
तो भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए सुनेंगे फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी सुनेंगे जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी है एस्टोमेटा के द्वारा, और इनमें से सभी। तो भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। अभी आपको यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भोजन का परिवहन कौन करता है, यहाँ जाइलम करता है या आपका फ्लोएम करता है। तो भोजन का परिवहन कौन करेगा, भोजन को कौन पहुंचाएगा, यही आंसर है। आप मुझे दे सकते हैं क्या होगा आंसर। चलिए दीजिए आंसर आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने आंसर आया, ये आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोएम। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं आपको पहले बोलूंगा क्या, थैंक यू, फिर जो है हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, उससे पहले